तसंच असतं, एक दिवस येतात ना तुम्ही नेहमी नाही अटेंड करत ना तुम्ही, त्याच्यामुळे मग तसं असतो ते. हां नक्की मी तुम्हाला ग्रुपमध्ये ॲड करते माझ्या, ठीक आहे. तर कोणी नाही अजून नाही. हॅलो फ्रेंड, दिस इज सुनीता पाटील फ्रॉम सुनीताज केक्स अँड कुकिंग क्लासेस. क्या हुआ? चालू हो गया, लाइव चालू हो गया. मोबाइल में देखना है अभी. कौन पकड़ेगा मोबाइल? तो मैं पकड़ूं? हाँ आ जा, ठीक से पकड़ेगी. हाँ केक को कवर करना है, बराबर से दिखना चाहिए. मतलब लाइव में देखने वाले चिल्लाते हैं कैमरा ठीक से पकड़ो, कैमरा ठीक से पकड़ो. दिख रहा है क्या वहाँ से? दिख रहा है, बराबर दिख रहा है ना, क्लियर. लाइव मध्ये बघा, कोणी बघत आहे का? नंतर मग तिकडनं कमेंट्स येतात, पास होतात. कॅमेरावाला अच्छा नाही पकड रहा है, ठीक नाही पकड रहा है. ओके, तो अभी हम कर रहे हैं ग्लास इफेक्ट. तो ग्लास इफेक्ट के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे न्यूट्रल जेल. ओके, मैं न्यूट्रल जेल ले रही हूँ अभी यहाँ पे. मैंने ये दो बड़े चम्मच न्यूट्रल जेल ले लिए, ठीक है. इस साइड में कर देना यहाँ पे. इसमें मैं डाल रही थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं डाल रही, थोड़ा सा, जस्ट एक थोड़ा सा फ्लो करने के लिए, लिक्विड करने के लिए इसको. डॉलप नहीं गिरना चाहिए न्यूट्रल जेल का, ऐसे फ्लो होना चाहिए, एकदम स्मूथली फ्लो होना चाहिए. ठीक, थोड़ा सा डॉलप गिर रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा व्यवस्थित दिखता है ना. ये फ्लो हो गया. ओके, तो अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, ये सारा मैं न्यूट्रल जेल डाल रही हूँ, ठीक है. अभी आपको 3 to 4 कलर्स करने हो तो आप क्या करो, आपकी चॉइस के हिसाब से कलर्स कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए कलर्स की चॉइस करो, ठीक है. इसके ऊपर ड्रॉप्स डाल दो एंड उसको पूरा स्प्रेड कर दो, ठीक है. तो लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा ग्लास इफेक्ट डार्क शेड में आपको नहीं दिखाना है. मुझे क्या करना है, उसके ऊपर आपको थ्रेड डिजाइनिंग भी दिखाना है. क्या करूँ, गैलेक्सी इफेक्ट दिखा दूँ? मैसेज किया, क्लियर नहीं दिख रहा है. क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसे ऐसे पकड़ो. हाँ ऐसे पकड़ो, ऐसे अभी दिख रहा है क्या? देखो कौन दिख रहा है, लाइव दिख रहा है कोई? बोल रहे ब्लर है कैमरा, कैमरा ब्लर है बोल रहा है. हाँ साफ करना पड़ेगा कैमरा, कुछ मेरे हाथ क्रीम के लग गए होंगे. कुछ लगा हो गया, उसको साफ करो. पानी लग नहीं, अच्छा तो ये इससे सब मेरा हाथ लग गया होगा, क्रीम का हाथ लग गया होगा ना उसमें. हो गया अभी? हाँ अब क्लियर है. क्लियर है ना, हाथ लगाती हूँ ना मैं मेरे क्रीम वाले सारे तो. ओके, तो इसके ऊपर अभी मैं क्या करूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ ग्लास इफेक्ट के साथ साथ मुझे थ्रेड डिजाइनिंग भी आपको इसके ऊपर दिखाना है. तो जो मैं बेस लूंगी ना वो लाइट शेड में होना चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा डार्क कलर्स नहीं यूज कर रही हूँ ग्लास इफेक्ट के लिए. तो ग्लास इफेक्ट के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ऑरेंज, ओके, एंड जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ येल्लो. तो इस तरह से मैं सिर्फ 2 कलर्स ले रही हूँ. आप 3 कलर से ग्लास इफेक्ट बना रहे हो तो 3-4 कलर एक साथ ले सकते हो. अगर गैलेक्सी इफेक्ट बनाना है तो आपको ब्लू पिंक एंड येलो लेना है तो आपका गैलेक्सी इफेक्ट मिलेगा, राइट. अभी मुझे गैलेक्सी इफेक्ट नहीं बनाना है, जस्ट एक लाइट शेड में कवर कर रही हूँ. उसके ऊपर आपको मैं थ्रेड डिजाइनिंग भी दिखाने वाली हूँ. तो ये जस्ट पैलेट नाइफ को रखना है एंड इस तरह से टर्न करना है, जस्ट लाइटली टच करना है इसको, ज़्यादा प्रेशर से नहीं करना है. ओके, तो ये अभी ये पूरा केक कवर नहीं किया है मैंने, जस्ट मैंने टॉप पोर्शन को कवर किया हुआ है, राइट. अगर आपको पूरा केक कवर करना है तो ज़्यादा जेल लीजिए, पूरा स्प्रेड करिए, नीचे आएगा फिर पैलेट नाइफ से उसको भी प्रेड, तो वो आपका पूरा केक कवर हो जाएगा. मुझे पूरा केक कवर नहीं करना है, ठीक है. बंद है ना, ये मैंने इस तरह से थ्रेड लिया है. सबके घर में नॉर्मली थ्रेड तो रहता ही है. ओके, तो ये मैंने थ्रेड लिया है एंड मैं
अभी ये येलो एंड ऑरेंज कलर है अपना, राइट, तो इसके साथ कलर कॉम्बिनेशन कौन सा अच्छा जाएगा वो देखना है। तो इसके साथ पिंक भी बहुत अच्छा जाएगा, इसके साथ पिंक भी, ब्लू भी अच्छा जाएगा एंड ग्रीन भी अच्छा जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, अभी थ्रेड डिजाइनिंग के लिए ले रही हूँ पिंक कलर एंड, तो ये थ्रेड को ना पिंक कलर में डिप करना है एंड इसी के साथ मैं थोड़ा पोर्शन ग्रीन कलर में भी डिप करूँगी। क्वेश्चन आया आधी काय टाकले आहे तुम्ही कशावर, केकवर? हो, न्यूट्रल जेल टाकले। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से थोड़ा ग्रीन एंड देन अगेन थोड़ा सा पिंक एंड देन अगेन ये बाकी का बचा हुआ ग्रीन। पिंक ग्रीन पिंक ग्रीन, इस तरह से चार पोर्शन में मैंने इस थ्रेड को कलर किया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अभी सबको तो थ्री मालूम है, मराठी में थ्री जो रहता है, थ्री कैसे मालूम रहता है ना सबको, तो ये जस्ट हमें थ्री करना है यहाँ पे। पहले तो इसको थ्रेड को अच्छे से पकड़ लो, एक जगह पे रख लो, ओके, देन ओके। अभी ये देखो ये कम पड़ गया यहाँ पे, और थोड़ा पिंक कर सकते हैं, ग्रीन। ओके, अब क्या करना है, स्लोली इसको पुल की, ओके, यहां से भी एक साइड से आप तो ये हो गया थ्रेड डिजाइनिंग, मतलब यहाँ पे आपने ग्लास इफेक्ट भी देखा एंड थ्रेड डिजाइनिंग भी देखा। दो अभी इसका बॉर्डर बना देंगे, लेकिन एक हम लोग को ये भी वाइट करना पड़े करना चाहिए होगा, तो क्या करेंगे? क्या वाइट करना है? ये जो नीचे आया है वो, तो फिर से क्रीम अप्लाई करना है? नहीं, वो ड्रिपिंग नहीं निकल सकते आप, पूरा फिर कम डालो, जो जेल डाला है ना थोड़ा कम क्वांटिटी में डालो, तो वो ड्रिपिंग अपने आप नहीं आएगा ना आपका। अभी हमने ड्रिपिंग थोड़ा न्यूट्रल ज्यादा हो गया तो ड्रिपिंग आ गया। मिस, किसी ने पूछा थ्रेड इफेक्ट के लिए जेल कंपलसरी है? नहीं, कौन सा जेल? न्यूट्रल जेल जो डाला है टॉप के ऊपर, हाँ वो तो कंपलसरी है ना, तो दिख रहा है क्या? देखो पूरा साफ फ्रंट दिख रहा है, पूरा इसके ऊपर केक के ऊपर लो, जो देख रहे उधर लाइव उनको उधर समझ में आ रहा है, पूरा घुमा घुमा के दिखा। असंच होते, तुमचं मी लाईव्ह बघते ना तेव्हा असेच प्रश्न असतात लोकांचे, पेशन्स नसतात त्यांच्याकडे। अभी मैं बॉर्डर के लिए 46 नंबर का नोजल ले रही हूँ, ठीक है। फोटो निकाल आ रहा रुद्रा, वीडियो निकाल ना किसी ने, फिर सेंड करना ग्रुप में, घर पे देख के करने का काम आ सकता है। अभी मैंने ड्रिपिंग में तो तसे छोड़ो, तेरे चलता यस यस, ड्रिपिंग अच्छा लगेगा ना, क्यों नहीं? अरे वीडियो क्लियर नहीं, इतना तो क्लियर है। अरे वो नेट इश्यूज रहता है ना, तो कभी कभी ब्लर दिखता है। तो अभी मैं 46 नंबर का ये नोजल लिया है, ठीक है, बॉर्डर ले रही हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं जस्ट थोड़ा सा येलो कलर भी डाल रही हूँ पाइपिंग बैग में, ताकि एक थोड़ा सा शेड मिले हमें बॉर्डर में भी येलो कलर का, क्योंकि हमारा ये इफेक्ट येलो एंड ऑरेंज है। तो मैं इस तरह से पाइपिंग बैग में येलो कलर लिया है, ठीक
रेड वेलवेट केक के लिए कौन सी कंपनी का कलर यूज़ करते हो? जेल कलर यूज़ करो बोलो उनको, रेड वेलवेट का इमल्शन मिलता है वो यूज़ करो। अभी यहाँ से पीछे से कभी भी बॉर्डर ना पीछे से चालू करो, क्योंकि एंड हमेशा थोड़ा सा खराब होता है ना, तो पीछे के साइड में छूट जाएगा। वीडियो निकालो, हाँ इसमें दिखाओ प्रॉपर बॉर्डर बनाते हुए। किसी ने पूछा साइड में जो जेल फैल गया है उसका क्या सॉल्यूशन है? जेल फैल गया वो ड्रिपिंग है भाई, वो फैल नहीं गया, वो वैसे ही रहने दो, वो अच्छा दिखता है ड्रिपिंग। या तो फिर आप न्यूट्रल जेल कम डालो तो ड्रिपिंग नहीं आएगा आपका। तो इस तरह से हमारा ग्लास इफेक्ट विथ थ्रेड डिजाइनिंग बिल्कुल रेडी है। अभी आपको ये जो लग रहा है ना ये, तो आप इससे और ड्रिपिंग लगा सकते हो बाद में, पाइपिंग बैग में जेल डाल दो एंड ड्रिपिंग लगा तो वो और बढ़िया लगेगा, वो भी कर सकते हो। आपको इस तरह से एक ड्रिपिंग अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा ड्रिपिंग और बढ़ा दो उसमें, वो हम लोग बाद में एंड में कर सकते हैं। अभी है जेल तो अभी भी कर सकते हो। ये देखो ये इस तरह से जेल है अपने पास, पाइपिंग बैग था ना पाइपिंग बैग से ज़्यादा बेटर आ जाएगा, हाथ से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ जाता है ना। ये देखो ये इस तरह से ड्रिपिंग है ना, इसमें ये ड्रिपिंग बढ़ा दो आप। वो तो बैक साइड आ जाएगा ना डियर। इस तरह से ड्रिपिंग बढ़ा दो, अभी जेल अपना इतना बढ़ा सकते हो आप लोग। ये थ्रेड में एक ही ऐसा डिज़ाइन है थ्री करके करना, मीन्स अभी आपने थ्रेड का कैसे थ्री करके ऐसे वो पुल किया था जिसकी वजह से ऐसा शो आया, तो वो ऐसा एक ही है क्या, मतलब थ्री करके करना है और भी कुछ है? नहीं नहीं थ्री या सिक्स करो आप, या एक बीड्स का भी आता है, बीड्स का मनी लो धागे की जगह पर बीड्स का मनी लो तो उससे एक अलग इफेक्ट आता है, तो वो अलग से आएगा। ओके तो इस तरह से ड्रिपिंग करो, देखो अभी दिखाओ, अभी दिख रहा है। तो आपको चॉइस अपनी रहती है कि किस तरह से अपने डेकोरेशन अपने को कंप्लीट करना है, कुछ छुपाना है कुछ उबारना है, अपने ऊपर रहता है कि क्या करना है आपको। सेम सेम पता तो उल्टा आसना ना। पीछे के साइड में भी ड्रिपिंग बन गया, आगे के साइड में भी ड्रिपिंग बन गया, अब लग रहा है बेटर आप लोगों को? अभी इसमें ग्लिटर्स मिलते हैं, ये सपने को ग्लिटर डालना रहेगा ना, मैंने बोला था ग्लिटर डालेंगे, तो जेल में ग्लिटर डालना होता है, डायरेक्टली जेल में ग्लिटर डालना होता है तब जाके वो अंदर से शाइन करता है ना। तो जेल मध्ये अपन जेव जेल बनवलं ना, यस यस, तो ये ग्लिटर रहता है। तो ये सारे ग्लिटर्स रहते हैं, देखो इस तरह से सिल्वर ग्लिटर रहता है, इसमें दिख रहा है क्या, इनको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ये गोल्डन ग्लिटर रहता है, सिल्वर ग्लिटर रहता है, क्या हुआ दिख रहा है कि नहीं? मास्टर सेफ रेड ले लो या मैजिक रेड जेल। ये इकरा फातिमा ने कुछ क्वेश्चन पूछा आपसे। क्या पूछा है? मास्टर शेफ रेड ले लो या मैजिक रेड जेल? मास्टर शेफ का ले लो, बढ़िया होता है मास्टर शेफ का भी। तो अभी ये मैं ऊपर से डालूँ, फैन ऑफ कर दो थोड़ा, ग्लिटर को डालते हैं। आप क्या करो, एक्चुअली जेल में ही हमें न्यूट्रल जेल डालना होता है अगर इसमें डालना है तो, ठीक है? अभी भूल गए तो क्या है, हम लोग ऊपर से जस्ट इस तरह से मैं स्प्रिंकल कर दे रही हूँ, ब्रश से लो थोड़ा सा,
जहाँ पे डार्क शेड्स है ना वहाँ पे ज्यादा दिखेगा उठ के अच्छे से। अभी मोस्टली सब लोग बोलते हैं ये एडिबल है क्या? हाँ भाई ऑफकोर्स एडिबल है, तभी तो डालूंगी ना मैं। एडिबल है एंड ज्यादा यूज नहीं कर रहे हम लोग, थोड़ा सा पिंच से भी कम, देख रहे हो ना आप कितना यूज किया हम लोगों ने, तो ये क्या हम लोग ज्यादा नहीं खा रहे, तो इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता यूज करने से। ठीक है, इसी के साथ आप इसको और डेकोरेट कर सकते हो सिल्वर बॉल से। आप सिल्वर बॉल डाल दो, गोल्डन डालेंगे, गोल्डन तो अच्छा दिखेगा, सिल्वर से ज्यादा गोल्डन अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से बॉल्स डाल दो। अभी कितना डेकोरेट करना आपके ऊपर डिपेंड रहता है, आप क्या क्या डेकोरेट कर सकते हो, साइड से फ्लावर डाल दो, कुछ भी कर दो, ग्रीन कलर के क्रीम से लीव्स निकालो, यहाँ से नीचे के साइड में लीव्स निकालो, तो चॉइस आपकी, आप कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो नेक्स्ट केक की तरफ बढ़ते हैं। अभी इन फ्रेंड्स को बोलते हैं बाय बाय, या सबके क्या है, सो ब्यूटीफुल मैम, लुकिंग प्रिटी, रेड कलर कौन सी ब्रांड का यूज़ करें? अभी सानी चेहरा, मैं तो मोस्टली कलर स्प्लैश के कलर यूज़ करती हूँ। अगर आपको जेल कलर्स यूज़ करने हैं तो आप कलर्स मास्टर शेप का यूज़ कर सकते हो, फैब का यूज़ कर सकते हो। ललिता लुकिंग प्रिटी, थैंक यू ललिता। ज्योति पाटिल, सो ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू ज्योति। मैम ग्लिटर पे एक्सपायर डेट होती है क्या? हाँ ग्लिटर पे नहीं होती है। तेजल घोष, और मैम थ्रेड कौन से मटेरियल का लेना है? एनी थ्रेड, कोई भी थिक क्वालिटी थिक वाला थ्रेड ले लो। ये वुलन है ना? ये वुलन। विच टाइप ऑफ थ्रेड? कोई भी थ्रेड आप ले सकते हो डिया। ये कलर लिक्विड है क्या? यस यस, ऑल कलर्स आर लिक्विड, मैंने यूज़ किए हैं। शिमर केक तुमच्या कोर्समध्ये इन्क्लूड आहे का? येस सायली, दिस टाइम आय एम गोइंग टू शो शिमर केक टू माय स्टुडंट्स, लकी स्टुडंट्स। पायल पटेल, ब्यूटिफुल, थँक यू डिअर। ओके छाया, थँक यू थाया, छाया रूपा थँक्स, ब्यूटिफुल, थँक यू रूपा। ओके फ्रेंड्स, चलो वर्कशॉप में हम बीच में मिडल सेशन है हमारा, तो ज़्यादा बात नहीं कर सकते और ज़्यादा रुक भी नहीं सकते, तो मिलते हैं लास्ट लाइव में। टिल देन बाय बाय, बाय बाय।